Hello students, today we see the classification of noise. So we see classification of noise, that is classification of noise. Okay, in that there are two types. First is external noise and second one is internal noise. Okay, in external and internal noise, again subtypes, that is in external noise, first is atmospheric noise. Okay. Second is extra terrestrial noise. And third one is man-made noise. Okay, and internal noise is also some types. First is short noise, second one is thermal noise, third is transit time noise, next one is flicker noise, and last one is partition noise. Okay, but in this noises only we study atmospheric noise, extraterrestrial noise and man-made noise. Okay, ये जो classification है noise का, उसमें से सिर्फ अपने जो syllabus में है वो है atmospheric noise और extraterrestrial noise और man-made noise है. तो ये तीनों जो है हम लोग detail में देखने वाले हैं. ठीक है, तो one by one देखेंगे. फर्स्टली देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल नॉइस क्या होता है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक नॉइस क्या होता है, उसके बाद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे मैनमेड नॉइस क्या होता है. ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि नॉइस क्या होता है. व्हाट इज द नॉइस? दैट इट इज द अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच विल एड टू अवर डेटा और इन्फॉर्मेशन. ओके, सो सी वन बाय वन द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल. देन सी द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल नॉइस. इट इज डिफाइंड एज अ नॉइस दैट इज जनरेटेड आउटसाइड द डिवाइस और द सर्किट. मीन्स क्या होता है? ऐसा नॉइस जो कि डिवाइस के और सर्किट के बाहर से जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉइस बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद में जो है एक्सटर्नल के टाइप्स देखेंगे हम लोग वन बाय वन डिटेल में. तो फर्स्ट टाइप देखेंगे. ओके, फर्स्ट नॉइस देखेंगे हम लोग, वो है एटमॉस्फेरिक नॉइस. ओके, तो एटमॉस्फेरिक नॉइस में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट देखो, दिस टाइप ऑफ नॉइस गेट प्रोड्यूस विद इन द अर्थ एटमोस्फियर. मीन्स क्या होता है? ये जो नॉइस है वो किस में प्रोड्यूस होता है? अर्थ एटमोस्फियर में जो है प्रोड्यूस होता है, विद इन द अर्थ एटमोस्फियर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, द कॉमन सोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉइस इज लाइटनिंग. मीन्स इसका जो सोर्स है, मीन्स कहाँ से नॉइस प्रोड्यूस होता है, वो है लाइटनिंग. लाइटनिंग मीन्स जो बादल में मीन्स बारिश होती है,
ठीक है, बारिश में जो लाइटनिंग होती है, मीन्स हम लोग जो है मराठी में हम लोग क्या बोलते हैं कि वीज, ठीक है, तो वो जो होता है बारिश के वक्त लाइटनिंग, वो तो उसके वजह से क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक नॉइस क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि दिस टाइप ऑफ नॉइस इज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस और स्पाइक्स विच कवर्स अ वाइड फ्रीक्वेंसी बैंड, टिपिकली अप टू 30 MHz। मीन्स क्या होता है, ये जो नॉइस है अपना, ठीक है, वो कैसे फॉर्म में होता है, एक तो स्पाइक्स, स्पाइक्स मीन्स जो भी ये सिग्नल रहता है वो स्पाइक्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि सिग्नल स्मूथ नहीं होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पाइक्स, इसको क्या बोलेंगे, स्पाइक्स। तो उस केस में क्या होता है, स्पाइक्स के फॉर्म में होता है ये नॉइस, और उसकी वाइड फ्रीक्वेंसी बैंड मीन्स फ्रीक्वेंसी बैंड कितनी होते हैं, 30 MHz, ठीक है, 30 MHz तक ही इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बैंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है अपना, देखो, द स्पिटरिंग क्रैकिंग एक्सेट्रा हियर्ड फ्रॉम द लाउड स्पीकर ऑफ द रेडियो इज ड्यू टू द एटमोस्फेरिक नॉइस। तो स्पिटरिंग क्या होता है, स्पिटरिंग वो होता है कि अपना अगर वॉइस क्लियर नहीं आए, ठीक है, वॉइस अगर क्लियर नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिटरिंग बोलते हैं, ठीक है। और क्रैकिंग, क्रैकिंग मीन्स अगर ब्रेक हो रहा है अपना वॉइस, ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, उसमें एटमोस्फेरिक नॉइस प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप एग्जांपल दे सकते हो, मोबाइल में कभी कभी रेंज अगर नहीं हो तो अपना वॉइस क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है, तो वो किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक नॉइस एड इन द अवर डेटा, ओके। एक्सेट्रा हियर फ्रॉम द लाउड स्पीकर ऑफ द रेडियो इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक नॉइस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिस टाइप ऑफ नॉइस बिकम्स इनसिग्निफिकेंट अबाउट 30 MHz, मीन्स अगर 30 MHz के ऊपर इसकी रेंज मीन्स फ्रिक्वेंसी रही तो ये क्या होता है, इनसफिशियंट मीन्स वो काम मीन्स नॉइसेस जो है वो जो ऐड होते हैं हम लोग रिमूव कर नहीं सकते, ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो कितनी रहती है, 30 MHz। दिस टाइप ऑफ नॉइस बिकम्स इनसफिशियंट अबाउट 30 MHz, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप देखेंगे, ओके, नेक्स्ट टाइप है अपना एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस। इसमें क्या होता है वो देखेंगे, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस मीन्स दिस टाइप ऑफ नॉइस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सोर्स विच एग्जिस्ट आउटसाइड द अर्थ एटमोस्फियर। इसके नाम में देखा देखो आइडेंटिफाई किया है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर का, ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ नॉइस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सोर्स विच एग्जिस्ट आउटसाइड द अर्थ एटमोस्फियर, मीन्स जो जो भी अर्थ एटमोस्फियर है, ठीक है, उसके आउटसाइड मीन्स जो स्पेस रीजन होता है उससे जो नॉइस आता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस, ओके। उसके बाद में पॉइंट देखो, हेंस दिस नॉइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीप स्पेस नॉइस। इसको ये जो नॉइस है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस को और एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम है डीप स्पेस नॉइस, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस नॉइस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सन एंड द आउटर स्पेस इज नोन एज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस, ठीक है। ये जो नॉइस है वो कहाँ से मिलता है अपने को, मीन्स कहाँ से जनरेट होता है, फ्रॉम द सन और आउटर स्पेस मीन्स जो स्पेस रीजन है एटमोस्फियर, अर्थ एटमोस्फियर के बाहर का, ठीक है, वहां से जो नॉइस मिलता है अपने को, वो वहां से जो नॉइस अपने इंफॉर्मेशन में और डेटा में ऐड होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस, ओके। उसके बाद में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉइस का दो पार्ट्स में होता है, दैट इज
the extraterrestrial noise can be subdivided into two groups. अभी वो two groups क्या है वो देखो, first है solar noise और second है cosmic noise. इसमें दो types है अपने extraterrestrial में, solar और cosmic noise. तो solar noise जो है वो आता है sun से, ठीक है, और cosmic noise जो है वो आता है stars से, ठीक है. stars जो होते हैं बादल में, जो stars होते हैं वहां से, और सोलर आता है सन से, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट जो अपना एक्सटर्नल नॉइस है वो देखेंगे. ओके, लास्ट नॉइस है अपना, दैट इज मैनमेड नॉइस, ठीक है. इसमें क्या होता है, अभी इसके नाम में भी दिया है देखो, मैनमेड नॉइस मीन्स क्या हो सकता है, जो मैन क्या करता है, डेवलप करता है, या फिर मैन के वजह से मीन्स जो डेवलप होता है नॉइस, उसको ही हम मैनमेड नॉइस बोलते हैं. तो देखेंगे डिस्क्रिप्शन में क्या है. डिस्क्रिप्शन में देखो, द मैनमेड नॉइस इज जनरेटेड ड्यू टू द मेक एंड ब्रेक प्रोसेस इन ए करंट कैरिंग सर्किट्स. मीन्स जो भी अपने करंट कैरिंग सर्किट्स है, ठीक है, उसमें जो नॉइस क्या होता है, जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनमेड नॉइस बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स है, वेल्डिंग मशीन्स है, इग्निशन सिस्टम ऑफ द ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा. दिस टाइप ऑफ नॉइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल नॉइस. ये नॉइस को हम लोग, और दूसरा नाम क्या है, इंडस्ट्रियल नॉइस. अब ये एग्जाम्पल थोड़ा देखेंगे, इलेक्ट्रिकल मोटर्स. अभी हम आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल मोटर्स देखी है, बहुत सारी मोटर्स है, जैसे खेत में भी मोटर्स लगाते हैं पानी ऊपर खींचने के लिए. उस वो मोटर से भी क्या आता है, नॉइस बाहर आता है, ठीक है, आवाज आता है मोटर से, ठीक है. उसके बाद में वेल्डिंग मशीन भी देखी होंगी आपने. उसके बाद में जो अपने ऑटोमोबाइल से मीन्स बाइक है या फिर कार है, उसमें से भी क्या आता है, नॉइस जनरेट होता है. तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स है वो किसके हैं, मैनमेड नॉइस के, ठीक है. और इसका दूसरा नाम और क्या है, इट इज इंडस्ट्रियल नॉइस. अब इंडस्ट्रियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हम लोग मशीन्स या फिर मोटर जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं, जिसमें से मैनमेड नॉइस क्या होता है, जनरेट होता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल में वो सिस्टम या फिर डिवाइसेस हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस मैनमेड नॉइस इज आल्सो कॉल्ड एज अ इंडस्ट्रियल नॉइस, ठीक है. तो ये सब हो गया, अपने क्लासिफिकेशन हो गए हैं नॉइसेस के आज के लेक्चर में. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे. तो आज के लेक्चर में जो है अपना टॉपिक नॉइसेस क्लासिफिकेशन जो है कवर हो गया है. तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. थैंक यू.